हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शोभित दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं ये वायर्स कैसे बनाई जाती है। यानी ये वायर्स आपके बहुत ही काम में आती हैं, जैक टू जो ऑक्स वायर्स होती हैं, ये ऐसी बढ़िया क्वालिटी की वायर्स आपको कैसे बना के मिली जाती है। और मार्केट में मतलब आपको बहुत मुश्किल हो जाती है इस टाइप के वायर बनाने में या मिलने में, या फिर पार्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि इस टाइप की वायर जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी की होने वाली है, वो आप कैसे बनाएं। और यहाँ पे शायद हो सके थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम रहे दोस्तों, उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। लेकिन वीडियो मैंने फुल कोशिश करी कि फुल इन्फॉर्मेशन से भरी हो, तो वीडियो एंजॉय करिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं ये कुछ सामान मेरे डेस्क पे जो पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, ये आती हैं हमारी वायर्स जो कि अनकट हैं अभी। ये कुछ सॉकेट्स हैं यहाँ पे जो जैक स्पिन हो गए, और यहाँ पे जो ऑक्स है हमारा ये हो गया। यहाँ पे ये आ जाता है हमारा केबल मार्कर, यानी आप इस पर नंबर को देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पर नंबर को देख सकते हैं ये कैसी रहती है और कौन सी क्वालिटी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर से आप जान सकते हैं कि कितने नंबर पे कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि आप अगर काफ़ी सारे ऑक्स भी अगर आप लगाते हैं तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दे दूंगा बाद में। और यहाँ चलते हैं हमारे कुछ स्लीव्स, यानी हीट सिंक स्लीव्स हो गई, जो कि आप इस तरीके की देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी रहती हैं मेरे पास, क्योंकि आपको तो पता ही है यहाँ पे इसमें मैं काफ़ी घुमा हुआ रहता हूँ। यहाँ पे दूसरी स्लीव्स हो गई, ये भी मैं आपको बताऊँगा, और ये आ जाती हैं अंदर के लिए, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी हमारे पास ये कटर है बेसिकली, ये आपका आ जाता है ब्लेड। यहाँ पे ये हमारे इसके लिए, तो यहाँ पे मैं क्विक फिक्स का ये जो शोल्डरिंग है पेस्ट, शोल्डरिंग पेस्ट मैं उसको यूज़ करता हूँ। यहाँ पे इसका काम बताऊँगा मैं, ये छोटा लाइनर पेचकस का। और बस एक मोमबत्ती है मेरे डेस्क पे, इसका भी काम बताऊँगा कैसा रहता है। और जो सबसे ज़रूरी पार्ट है हमारा ये जादू की छड़ी, इसे हम जादू की छड़ी कहते हैं। ये बेसिकली दोस्तों आयरन है, हॉट आयरन, यानी प्रेस वाला नहीं, यहाँ पे शोल्डरिंग हॉट आयरन है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये मैं डेस्क खाली कर देता हूँ, यहाँ आ जाते हैं। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला शेल है, तो यहाँ पे ये वाला जो शेल है इसको आपको निकालना है पहले। तो इसको निकालने के लिए आपको ये ऐसे पकड़ के रखना है, और जस्ट एक बारी आपको ऐसे घुमा देना है, फिर ऐसे लीजिए और हल्का हल्का सा आपको ध्यान से करना है। और यहाँ पे जो आपकी कॉपर की ऊपर की शेल जो होती है अंदर की साइड, वो ध्यान से कि वो ना कटे, क्योंकि अगर वो कट गई तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको जो टाके वगैरह आप लगाते हैं यहाँ पे उसको लगाने में। तो जस्ट एक बार ये राउंड लीजिए और यहाँ पे आप इसको काट दीजिए, तो आपका ये वाला जो पीवीसी सेल है ऊपर वाला, ये आपका निकल के आ जाएगा। ये काफ़ी मोटी वायर है, नॉर्मल मार्केट में आप देखते होंगे काफ़ी आपको जो पीवीसी है वो इतनी मोटी नहीं मिलेगी, ये पीवीसी काफ़ी मोटी है। और यहाँ पे तो इसको कर दिया है मैंने। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बाकी जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसको क्या करना है आपको, ये छोटे जो लाइनर से पेचकस है, ये जो ऊपर की शेल रहती है ना यहाँ पे, ये कॉपर की, तो इसको आपको ऐसे करके निकाल लेना है आपको। फिर इसको पहले कॉपर की जो ऊपर की शेल होती है यहाँ पे, ये वाली जो जाला होता है आपका, इसको आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है। तो बचेगा आपके पास ऊपर धागा धागा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको इकट्ठा करके, यानी एक जगह इकट्ठा करके आपको इसको सही से मड़ोड़ देना है, यानी इनको काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ताकि ये एक वायर में नज़र आए। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये जो धागा रहेगा, धागे को आपको क्या करना है, और ये जो प्लास्टिक होती है ना, एक पन्नी सी होती है, अगर आप अच्छी वायर लेंगे तो आपको ये धागे के साथ एक पन्नी भी मिलेगी, यानी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, और इसको आपको काट देना। मेक श्योर कि आपकी जो वायर हो वो ना कटे, कटनी नहीं चाहिए। तो सेफली हम निकाल चुके हैं, सेम चीज़ मैं इसमें करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम
यहाँ पे मिलते हैं, तो इसके साथ मैं करके अभी आपको यहाँ पे जो तीनों पोल बचे हैं हमारे, तो उसके साथ भी मैं इसको काट पीट के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे वायर मैं छिल चुका हूँ, जो अंदर के ये छोटे छोटे वायर्स भी हैं इनको भी मैं छिल चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वायर आप जब ये छोटे वाली वायर को छिलते हैं, जो आप नीली और लाल वाली को देख रहे हैं, तो ये कट सी जाती हैं। इसका मैं एक सॉल्यूशन आपको बहुत आसान सा बता दे रहा हूँ। आपके पास आयरन तो होता ही है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपनी टेबल की सेफ्टी रखते हुए इस चीज़ को ध्यान देना है। कोई भी एक लोहे का ले लीजिए या फिर आपकी टेबल ऐसी हो कि उस पर आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। यहाँ पर आपको वायर के साथ यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसको हल्का सा आपको यहाँ पर टच कर देना है और जस्ट मैजिक, यानी ये वायर आराम से छील लेगी और फिर आप इस पर शोल्डिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है कि जिन भाइयों को कटर चलाने नहीं आता है उनके लिए एक इजी स्टेप है कि आप इस तरीके से ये जो पतली पतली वायर्स होती है इनको छील सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं यहाँ पर मैं शोल्डिंग करता हूँ इसके अंदर। शोल्डिंग करने से पहले आप सभी को ये पेस्ट लगाना चाहिए, यानी ये इनका दत्मंजन है, वायर्स का दत्मंजन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनका दत्मंजन हम लगा देते हैं, उनके बाद हम इनको चमक देंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको शोल्डिंग पे मिलता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम शोल्डिंग करेंगे दोस्तों। तो ये यहाँ से मैं शोल्डिंग इस पे ले लेता हूँ, थोड़ा धुआं ज़्यादा हो रहा है और करते हैं हम शोल्डिंग। तो मैं ये सारी वायर आपको शोल्ड करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे मिलते हैं दोबारा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये शोल्डिंग हो चुकी है हमारी वायर, और यहाँ पे हम आगे काम बढ़ाते हैं। तो ये जो स्लीव्स हैं यहाँ पे, नंबर वाली जो स्लीव्स हैं यहाँ पे, मार्कर जिसे आप कहते हैं नंबर मार्कर फॉर केबल, और इसको आपको चढ़ा लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको चढ़ा चुका हूँ, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है ये चढ़ गया है। ऐसे ही मैं सब में चढ़ाता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये नंबर कोडिंग चढ़ा चुका हूँ, सब कुछ जीरो जीरो रखा है। बेसिकली ये एक वायर पे दो जीरो है, तो ये दोनों अलग अलग जगह पर जा रही हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर मैंने कोई और नंबर यूज़ नहीं करा है, तो ये दोनों अलग अलग जगह जा रही हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, मैं आगे आपको क्या करने जा रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो यहाँ पे जो शेल है बेसिकली इसको आपको चढ़ा देना है। यानी आप तो दो वायर होंगे, तो इसके अंदर आपको ये वाली शेल है इसको चढ़ा देना है यहाँ। तो यहाँ पर ये सारी सेल को आपको चढ़ा के पहले रखना है, उसके बाद ही आगे काम करना है। नहीं तो अगर आप ये भूल गए और शोल्डिंग कर दिया तो आपको बहुत दिक्कत होगी वापस निकाल के और वापस इनको डालना। तो इसको मैं सबको डाल के दिखाता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शेल है, यहाँ पे जो जैक के जो शेल होते हैं, यहाँ पे कवर जो होता है उसको मैं यहाँ पे चढ़ा चुका हूँ, और उसके साथ जस्ट मैं ये हीट सिंक स्लिप भी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप हीट सिंक स्लिप को देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको अब क्या करना है, यानी हमारे ये जो जैक है, पहले आप एक साइड का काम कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आप अगर दो वायर बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको दो जैक की ज़रूरत होगी, तो पहले आप इनको लगा के छुट्टी कर लीजिए। उसके बाद जो ऑक्स या फिर एक्सएलआर वो कोई भी हो दूसरे पोल की साइड, तो आप वहाँ का काम स्टार्ट करिएगा। पहले एक साइड का काम ख़त्म करके छुट्टी करिए, क्योंकि इससे जो माइंड होता है वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है कि इसमें टाका छोटा है उसमें टाका बड़ा है। तो इस चीज़ से आपको बनाए रहेगा कि दोनों में तो सेम ही लगाना है और यहाँ पे आपके जो कनेक्शन है बिल्कुल सही होंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देते हुए चलना है। चलिए मैं यहाँ पे अभी यहाँ जो जैक है यहाँ पे ये कैसे शोल्डिंग करा जाता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो जैक है आपको इसको खोल लेना है, यानी जो यहाँ पे लॉक पिन्स होती हैं, लॉक जो करती हैं तार को जो दबाती हैं, इसको खोल के कुछ इस टाइप का कर लेना है। और थोड़ा सा पीछे की साइड आपको टिल्ड कर देना है ताकि जो आप पेस्ट यहाँ पे जो शोल्डिंग करें और वो अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पे ये पेस्ट लगा देते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे जैक पे तो आपको पता ही है कि ये शोल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले इसको किसी चीज़ से दबा लेना है। तो यहाँ पे मैंने दबा लिया। अब आपको क्या करना है, आपका लेना है जो वायर आप इस पर लगाएंगे, सबसे पहले तो आपको आपका शोल्डिंग ले लेना है। यहाँ पर ये शोल्डिंग आ गया, और ले लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाली वायर जो होती है आपकी, जो शेल वाली वायर होती है, यहाँ पे जो कॉपर वाली वायर होती है जो आप कहते हैं अर्थिंग के लिए, तो उसको सबसे पहले ज्वाइंट करना है। और कोशिश करिए आपको उस पर हीट नहीं देना है, आपको देना है आपके वायर पे शोल्डिंग के साथ, यानी उसको पिघलाते हुए इसको एक ही बारी में लगा के छोड़ दीजिए। उससे मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर फ़ायदा आपको क्या मिलेगा। ये आप जो टॉप देखते हैं ना, ये टॉप होती है, यहाँ पर ये होती है प्लास्टिक से जॉइंट होती है। तो अगर आप यहाँ से हीट देंगे, यानी इसकी जो बॉडी होती है इस साइड का, अगर हीट देंगे तो ये हीट पहुँचेगी यहाँ और ये प्लास्टिक को पिघला देगी और ये निकल जाएगा, यानी ये जैक ही पूरा ख़राब हो जाएगा।
तो एक चीज़ का आपको ध्यान देते हुए चलना है कि कोई भी हीटिंग करनी है आपको चिपकाने से पहले, यानी शोल्डिंग करने से पहले, तो आपको वायर पे करनी है, ना कि इस पे करनी है। चलिए मैं यहाँ पे दूसरे वाले को भी लगा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे आपको ये जो स्लीव होती हैं इसको आपको डाल देना है और इन दोनों वायर को आपको ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे ये ज्वाइंट कर लेना है आपको इन दोनों वायर को, और जस्ट आपको यही गेम खेलना है आपको चिपकाने के लिए, यानी इस पे शोल्डिंग करने के लिए। आपको वायर पे कोई हीटिंग नहीं देनी है, आपको देनी सिर्फ कहाँ है, आपके ये ऊपर वाले शेल पे। तो इसको थोड़ा सा आपको टिल्ड करते हुए, जैसे आपको आसान पड़े वैसे करना है। तो यहाँ पे ये ज्वाइंट हो चुके हैं, ये जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है ये ज्वाइंट हो चुका है। और ये स्लीव को आप चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा आप इसको जो ऊपर का पीवीसी ग्रिप होती है यहाँ पे आपके वायर की, उसको खींच के आपको अंदर की साइड लेके आना है, ताकि आप जो लॉक हो उसको आपको टाइट करने में मदद मिले। और थोड़ा सा लेके आइए इसे, को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लेके आना है। तो ये आ गया, ठीक है जी, ये लीजिए। और आपको इसको टाइट कर देना है, पहले आपको ये बीच वाला दबाना है। आपके में शायद दो हो सकते हैं या तीन हो सकते हैं या शायद एक हो सकता है, और इसको आपको टाइट कर देना। इससे क्या रहेगा, अगर आप खींचेंगे भी यहाँ पे तो आपकी जो अंदर की शोल्डिंग होगी वो नहीं छूटेगी, तो इससे ये फायदा आपको रहता है। अब आपको क्या करना है, इसको हीट वीट करके यहाँ पे कर देना। दूसरे वाले को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दूसरे वाले को भी हम यहाँ पे जो जैक है वो लगा देते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। और यहाँ पे टाइट करने के लिए दोस्तों बेसिकली आपके पास हॉट एयर गन आती है, उससे आप टाइट कर सकते हैं। चाहे आपके पास मोमबत्ती हो, आप यहाँ पे कहीं से भी इसको बस हीट दे दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास तो हॉट गन भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ से मोमबत्ती से भी इसको टाइट करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप तो हॉट गन लेंगे नहीं, यानी इतनी आप जब वायर बनाते हैं जो दो चार या फिर पाँच या 10-20 भी बनाते हैं, तो उसके लिए तो आप इतना खर्चा करेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको इससे ये टाइट कर देना है, जो कि ये बहुत ही अच्छे से पकड़ कर लेगा। इसको जस्ट टाइट करने के बाद आपको ऊपर वाली को भी चढ़ा देना है। यहाँ पे इसको हम चढ़ा देते हैं थोड़ा सा टाइट करके यहाँ से, और ये वाली हमारी ऊपर वाली स्लीव जो आ जाती है वो ये आ जाती है। और इसको भी आपको यहाँ कुछ ऐसे करके टाइट कर देना है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल तरीके से पैकिंग हो चुकी है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वायर का ही हिस्सा है, लेकिन नहीं, ये स्लीव का कमाल है। तो आप ये स्लीव के कमाल को देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आप इसको कवर को चढ़ा दीजिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद, ताकि वो स्लीव जो है वो पकड़ अपनी बनाए रखे। तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप से आपको तैयार होकर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमारे चलते हैं दूसरे वाले छोर पे, यानी जहां हम ऑक्स कनेक्ट करेंगे। दोस्तों अभी हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे दूसरे छोर की, यानी हमारे दूसरे वाले जहाँ पे हम ऑक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपने जो आपके जो जैक था, यानी मोनो जैक पे, वहां पे आपने मोनो कनेक्शन करे थे, यानी कि जो रेड ब्लैक वाली वायर थी वो ज्वाइंट करके लगाई थी, क्योंकि वहां पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन नहीं था, वो था मोनो जैक। तो यहाँ पे भी आपको फिर वही चीज करनी होगी। तो आपको ये रेड ब्लैक को एक कर देना है, और यहाँ पे जो ग्राउंड है आपकी, यानी जो शेल रहती है, इसको आपको एक ही में रहने देना है। आपका बस जो यहाँ पे जो जैक रहेगा, ये जो जैक रहेगा, तो इसको आपको क्या करना है, ये वाले जो जैक को आपको, ये जो दो पत्तियां दिख रही है इसको आपको हल्का सा टिल्ड करके ज्वाइंट कर देना है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ये ज्वाइंट कर देना है आपको, और जस्ट यहाँ पे फिर आपको इस पे शोल्डिंग कर देनी है कुछ इस टाइप से। आप ये ज्वाइंट को यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तीन रहेगा, यानी तीन ऑप्शन है हमारे पास, तो ये भी तीन मिलेगी आपको, लेकिन आपके पास तो सिर्फ दो ही है, यानी मोनो ऑक्स आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये ज्वाइंट कर देना है। चलते हैं यहाँ पे, मैं इस पे शोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपको ग्राउंड वाली यहाँ पे इसको ज्वाइंट करनी है, तो आप यहाँ पे पहले तो पेस्ट लगा लीजिए, और यहाँ पे आप शोल्डिंग ले लीजिए थोड़ी सी। शोल्डिंग लेने के बाद आपको ये वायर इसमें लगा देनी है काफ़ी अच्छी तरीके से, और ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों टच ना हो आपस में, यानी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ बिल्कुल गैपिंग से कोई टचिंग नहीं है, सिर्फ ये वाली वायर जो है अभी मैंने ज्वाइंट करी है, जो कि ये ग्राउंड है। अभी मैं इस वाली जो वायर को होगा वो मैं यहाँ ज्वाइंट करूँगा कुछ इस तरीके से। तो फटाफट से मैं ये करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये टाइट कर चुका हूँ मैं, ये कुछ इस तरीके से, और जस्ट इसके ऊपर फिर मैं ये वाली जो स्लीव होगी, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ,
यानी ये वाली जो स्लीव होगी ये चढ़ा के मैं इसको हीट करके उसके बाद मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये जो ऑक्स की साइड वाला है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और स्लीव व्लीव लगा के मैं टाइट वाइट कर चुका हूँ इसे। और जस्ट मैं आपको यहाँ पे हमारे ये दोनों पॉइंट दिखा देता हूँ कितनी फिनिशिंग से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कंपनी से बन गया है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये काम आप भी कर सकते हैं ये वीडियो को देख के। तो इस वीडियो को आपने आई थिंक अभी तक यहाँ पे आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपने पूरा देख चुके हैं और आई होप आप ये आसानी से बना भी सकते हैं। तो बहुत ईजी रहता है ये बनाना और चलते हैं आगे, मैं कुछ और डिटेल के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगी वायर्स मुझे जरूर से नीचे कमेंट में बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वायर्स की क्वालिटी जो है बिल्कुल पसंद से पसंद आई होगी क्योंकि वायर्स ही ऐसी बनाई गई हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के लिए बनाई गई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो मजबूती का एक नंबर ध्यान रखा गया और यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इतना कोऑपरेट करने के लिए। यानी जो ऑडियो क्लियरिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो पता नहीं क्या रीजन से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो यहाँ पे उसके लिए मेरी तरफ से बिल्कुल सॉरी से सॉरी। लेकिन वीडियो आई थिंक आपको आई होगी समझ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ ही साथ आपको इन वायर्स को परचेज करना है तो मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है तो आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे ये 2 मीटर की वायर में आते हैं यानी प्रॉपर 2 मीटर, ये नहीं है कि ऐसे कुछ नाप दिया या फिर ऐसे कुछ नाप दिया, ऐसे वाला नहीं, प्रॉपर जो आप मीटर से देखते हैं वो वाला 2 मीटर आपको मिलेगा। और जो वायर की क्वालिटी रहेगी वो बिल्कुल हाई रहेगी। चाहे तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, चाहे तो इस वीडियो को देख के आप खुद भी बना सकते हैं इस क्वालिटी की वायर को। तो ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।